दर्शकों, वास्तु के जो अचूक उपाय हैं अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उनका लाभ आपको मिलता है, मिल भी रहा है। फोन हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप घर में फ्यूज बल्ब रखते हैं या ट्यूब अगर आपकी फ्यूज है, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो आप उनको बिल्कुल निकाल दें, इससे बीमारियां घर में आनी प्रारंभ हो जाती हैं। अगर बेकार की ताले और चाबियां जो खराब पड़े हैं वो आपने घर में रखे हुए हैं, और स्पेशली अगर बंद ताला आपके घर में पड़ा हुआ है, तो सुबह अवसर आपके नष्ट होंगे। अवसर तो आएंगे उन्नति के, लेकिन आप उनको भुना नहीं पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अपने बिस्तर के नीचे अगर आप पुराने कपड़े, किताबें, कापियां, इस तरह की चीजें रखते हैं जो आज एक आम बात है, डबल बेड में सभी उसको कचरे का डब्बा मान के उसमें कुछ भी रखते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, आप बीमार रहेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। घर में बांसुरी, पौधे, तने, इस तरह की चीजें रखें, इनसे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और ये समृद्धि कारक भी हैं, निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक कभी बीम के नीचे बैठ के खाना ना खाएं, बीम के नीचे सोए नहीं, बीम के नीचे बैठे नहीं, क्योंकि जो हिस्सा बीम के नीचे होता है वो विकृत होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के अगर आप वास्तु के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा ही होगा।